विकास नगर नगर पालिका क्षेत्र के रहने वाले सोनू कुमार ने आज मीडिया के सामने आकर कहा कि उनकी जमीन नगर पालिका क्षेत्र में है और उनके पिताजी के नाम से चलती आ रही है, लेकिन कुछ समय पूर्व नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से उनके चाचा के लड़के ने वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली। उसने जब सूचना अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत सूचना सोनू कुमार के द्वारा मांगी गई तो उसने सूचना भी नहीं दी गई और उनसे इस संबंध में सूचना आयोग जाने की बात कही और इसकी शिकायत मुख्य सचिव जिला अधिकारी प्रधानमंत्री ऑफिस को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। नव भारत समाचार विकास नगर से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। संपत्ति का मामला है जी। कैसी संपत्ति, क्या है ये? जो है संपत्ति संख्या 195 जो है मेरे फादर के नाम नगर पालिका में वर्ष 1980 से दर्ज थी, जो कि नगर पालिका अधिकारी और कर्मचारी द्वारा खुलबुल कर दी गई। मेरे चचेरे भाई के नाम इन्होंने वर्ष 2014 में चढ़ाई। जब मैंने इसके संबंध में नगर पालिका विकास नगर से सूचना अधिकार के तहत ये मांगा कि यह संपत्ति किन दस्तावेजों के आधार पर चढ़ाई, तो इन्होंने जवाब दिया सूचना अधिकार में कि फाइल नहीं है स्टोर में। तो दो साल से ये फाइल को छुपा रहे थे। अब कुछ दिन पहले मेरे द्वारा समाचार पत्र में इसका प्रकाशन किया गया तो इनके द्वारा फाइल मुझे उपलब्ध करा दी गई। और जब सूचना अधिकार अधिनियम का भी इन्होंने उल्लंघन किया और मेरे पिता की संपत्ति को इन्होंने खुद करके गैरकानूनी ढंग से जो है चचेरे भाई के नाम चढ़ाया, जिसमें फाइल में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्तमान में भूमि सोमदत्तपुर सीताराम के नाम दर्ज है। तो फिर इन्होंने बिना बंटवारे के और कोर्ट के आदेश के बिना इन्होंने ये संपत्ति किन कैसे नगर पालिका में चढ़ाई और जिनके द्वारा ये गलत कार्य किया गया है, ताकि खारिज का उन अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये चाहते हो कि जिन्होंने ये लगाई है, जिन्होंने गलत काम किया है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो?